नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में कल भगदड़ के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि इनके आश्रम कहां कहां हैं। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 82 स्थित इलावास गांव में भी भोले बाबा का एक आश्रम है, जो बीते 2 साल पहले बनवाया गया था। यहां का देख रेख करने वाले हिमांशु बाबा के अनुयायी हैं, बताते हैं कि यहां पर बाबा सिर्फ एक बार आए हुए हैं। कल हुई घटना के दौरान वो भी वहां मौजूद थे। मेरा नाम हिमांशु, मैं सूरजपुर से हूं, ग्रेटर नोएडा से। कल हम लोग भी गए थे वहां पे सत के साथ में, तो लोगों को ना वहाँ समापन प्रभु जी आए थे 12 बजे, वो सत का साथ करके अपनी वाणी वगैरह देके चले गए 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद संगत निकली, पुलिस भी थी वहाँ, पुलिस कम थी लेकिन संख्या के हिसाब से। तो 2 बजे हादसा हुआ जब वो जा चुके थे। लोग कह रहे हैं कि धूली लेने के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने जो मंच से कहा था कि जहाँ से मैं निकलूंगा जी वाली धूल उठा के माथे पे, ऐसा वो कभी कुछ नहीं कहते। वो तो कभी किसी से मिलते भी नहीं है पर्सनली, वो जो कहते हैं माइक से मंच से आके कहते हैं, कभी किसी से मिलते नहीं, किसी से बोलते नहीं, किसी का पानी 1 रुपया लेते नहीं। और जो भी इनकी जो कहते हैं प्रवास बने हैं, कमेटी के मेम्बरों नहीं बनाए हैं वो लाके, और ये प्रवास भी यहाँ पे भी आने के लिए साफ मना करते हैं वो, कि भाई नाम में कुछ भी नहीं है। कितनी बार आए यहाँ पे? यहाँ पे बस एक बार आए थे। तो भगदड़ वहाँ कैसे मची थी? भगदड़ ये ऐसे मची थी, वहाँ भगदड़ नहीं मची थी मेरे हिसाब से, तो वहाँ 3-4 लोग मेरे सामने धक्का दे देते जब मैं वहाँ से लोगों को निकाल रहा था। तब मैं भी वहाँ आधा 1 घंटे रुका रहा था समापन होने के बाद। धक्का किसने दिया था? धक्का वहाँ के कुछ लोग थे, लड़के दे रहे थे, एसएसके दे रहे थे, उनके पास चढ़ भी रहे थे, एक दूसरे को पीछे धक्का आ रहा था। रोड पर जनता निकल के आया, धक्का लग रहा है, चिकनी मिट्टी थी, जा रहे थे। कितने बच्चे और औरतें मर गई हैं? औरतें ज्यादा मरे हैं, बच्चे तो 2-3 मरे हैं मेरे हिसाब से, और 1-2 आदमी मरे हैं।